मैं हसन रजा फ्रॉम mathhimath.com. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1. द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन को हमने थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने इसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो हम वही स्टेप के ये जो ला आखिर पे कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम उठा के इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो रह गए. एक एक्स स्क्वायर है प्लस x है दैट इज इक्वल टू एंड होल इज इक्वल टू 1. अब हम देखते हैं कि सबसे पहला काम तो ये है कि यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम स्केयर को कंप्लीट करते हैं तो इसके स्केयर कंप्लीशन के दो फार्मूलाज हैं. एक प्लस का है एक माइनस का है, यानी प्लस का होल स्केयर और माइनस का होल स्केयर. सिर्फ दोनों में फ़र्क जो है ये प्लस टू ए बी का और माइनस टू ए बी का है. तो अब हमें सिर्फ ये देखना ये होता है कि यहाँ पे ये जो तो अगर यहाँ पे जो भी हमारे पास अगर ये 2ab प्लस का है तो प्लस वाला फार्मूला यूज होगा और अगर 2ab माइनस का है तो माइनस वाला फार्मूला यूज होगा. सो हम इस फार्मूला के रूप से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये x जो है ये प्लस में है. तो इसका ये मतलब है कि सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये यहाँ जो फार्मूला हमारे पास यूज होगा ये प्लस वाला फार्मूला यूज होगा, यानी a प्लस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला यूज होगा. सो इस फार्मूला के रूप से अब हमारे पास यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ अगर आप देखें तो ए स्केयर है तो इसको हम लिख देते हैं एक्स का स्केयर प्लस टू, ये देखें प्लस टू ए बी है तो इसको हम इसके फौरन बाद लिख देते हैं प्लस टू, और इसको हमने a लिया हुआ है इसलिए ये x आ जाएगा, यानी प्लस टू एक्स आ गया. अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ है हमारे पास x खाली, ये बन गया 2x. अब b क्या लें कि ये x आ जाए, तो इसका मतलब है हमारे साथ हमें यहाँ पे 1 ओवर 2 अगर ले लें तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास खाली x रह जाएगा. तो अब हमने जो सेकेंड इसका है सेकेंड जो जो यानी बी वाला पार्ट है वो 1 ओवर 2 ले लिया, और फिर हमने 1 ओवर 2 का स्केयर ऐड भी कर दिया यहाँ पे, और यहाँ यहीं पे ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे 1 ओवर 2 का स्केयर इधर भी ऐड कर दिया, क्योंकि ये इक्वेशन की बैलेंस का एक असूल होता है कि अगर हम कोई चीज़ एक साइड पे ऐड करें तो वही चीज़ दूसरी साइड पे भी उसी को उतनी ही मिकदार में ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन कि ये है a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर. अब ये देखें अगर हमारे पास a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर हो तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्केयर. तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b यानी x प्लस 1 ओवर 2 का होल स्केयर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ये 1 ओवर 2 का स्केयर 1 ओवर 4 आ जाएगा. अब हम इसके इस इक्वेशन की इस साइड पर एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम हमारे पास 4 आ गया, 4 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1 ओवर 4 एंड दैट इज इक्वल टू 5 ओवर, यहाँ पे 5 ओवर 4 आ गया. अब ये जो 5 ओवर 4 है ये इक्वेशन है, इक्वेशन में से हमने एक्चुअली x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू को लेने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड पर स्केयर रूट ले लेते हैं. तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन के इस साइड पे भी स्केयर रूट ले लिया, इस साइड पे भी स्केयर रूट ले लिया. तो जब यहाँ पे हमने स्केयर रूट लिया तो यहाँ पे ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि ये जो स्केयर होता है इसकी वैल्यू होती है 1 ओवर 2, तो हम इसे 1 ओवर 2 करके भी 2 और 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं. और ये जब इसका स्केयर रूट लिया तो ये आ गया प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 5 ओवर 4. नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 5 ओवर 4 प्लस माइनस में है तो इसको हम एक दफ़ा यानी x प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस 5 ओवर 4 का स्केयर रूट और x प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 4 का स्केयर रूट. अब ये जो 4 है 4 का स्केयर रूट जो होता है ना वो 2 होता है, तो ये हमारे पास आ गया स्केयर रूट ऑफ 5 ओवर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 2, और यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से इक्वेशन के इस साइड पे x प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 5 का स्केयर रूट ओवर 2 और ये माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस में आ रहा है.
अब हम सिंपल इस तरह से करेंगे कि यहाँ से ये जो 1 ओवर 2 प्लस में है इसको इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे x के इस साइड पे जो 1 ओवर 2 है इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास माइनस 1 ओवर 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं इस साइड पे, तो इसका एलसीएम आया 2, तो हम इसे लिख सकते हैं यानी चले इसे मैं थोड़ा सॉल्व करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस 1 यानी ये माइनस 1। अब हम इसे जरा थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 क्योंकि ये है प्लस में प्लस के रूट, तो इसको जरा सिर्फ इसकी तरतीब को आगे पीछे चेंज किया है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। तो इस तरह से ये माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे माइनस 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 5, यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिया, ये हमारे पास आ गया माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। अब अगर आप इन दोनों को देखें यानी कि आप इस वाले पार्ट को देख लें और इस वाले पार्ट को देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि ये काफ़ी हद तक रिजेंबलेंस है इसमें, लेकिन हम और हम इसको यानी ये यहाँ भी माइनस 1 है यहाँ माइनस 1 है यहाँ 2 है डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है, सिर्फ फर्क यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 5 है और यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट 5 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस यानी ये एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। तो इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ मैथ।